हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपनी मैजिकल फैमिली से बिल्कुल ही अलग है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मीराबेल नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी नानी उसे अपनी पास्ट की कहानी बताती है कि कैसे वह अपने हस्बैंड और गाँव वालों के साथ मिलकर कुछ बुरे लोगों से बचकर भाग रहे थे और उनके तीन छोटे छोटे बेबी भी थे जिनका नाम था जूलियटा, पीपा और ब्रूनो। उन्हें बचाने के लिए उनके हस्बैंड ने अपनी जान कुर्बान कर दी और उनके पास एक कैंडल भी थी जो कि देखते ही देखते जादुई कैंडल में बदल गई और उस कैंडल ने एक मैजिकल घर बना दिया जिसका नाम कसीता था। फिर जब वह तीनों बच्चे बड़े हो गए तो उन्हें कुछ मैजिकल पावर मिलती है उस कैंडल के थ्रू। इसी तरह जनरेशन बढ़ती गई और वक्त के साथ सभी पीढ़ियों को मैजिकल पावर मिलती रही। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहां हमें पता चलता है मीराबेल जूलियटा की बेटी है और आज उसको अपनी मैजिकल पावर मिलने वाली है। फिर हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां मीराबेल बड़ी हो गई है, मगर दुख की बात यह है कि अभी तक उसको अपनी मैजिकल पावर नहीं मिली। यानी पूरे खानदान में एक वही लड़की थी जिसके पास मैजिकल पावर नहीं थी, मगर फिर भी वह सबके साथ मिलजुल कर रहती है। आज बहुत ही स्पेशल दिन था जहां पीपा के बेटे एंटोनियो को भी मैजिकल पावर मिलने वाली थी और उसको एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वह जानवरों से बात कर सकता था। एक्चुअली जिसको भी पहली बार पावर मिलती है तो उसके लिए एक डोर ओपन हो जाता है जिसमें उसका एक नया रूम बन जाता है। कहीं ना कहीं मीराबेल को भी इस बात का दुख था कि उसको क्यों पावर्स नहीं मिली। फिर वह देखती है कि कसीता में क्रैक्स आने लगे हैं। असल में कसीता मीराबेल को इशारा कर रही थी कि आगे कुछ खतरा आने वाला है। इसके बाद सभी को वह बुलाती है और सभी वहां आ जाते हैं, मगर तभी वह क्रैक्स गायब हो जाते हैं। मीराबेल की नानी सभी को बोलती है कि सब कुछ ठीक है, हमारा कैंडल बहुत ही स्ट्रांग है, वो इस घर को कुछ नहीं होने देगा। फिर वह अपनी मॉम को भी यह सब समझाती है, मगर उसकी मॉम इन सब पर विश्वास नहीं करती। फिर वह रात को सोने के लिए जाती है मगर उसे नींद नहीं आती। फिर वह उसी कैंडल के पास जाती है, तभी वहां पर उसकी नानी आ जाती है। मीराबेल छुप जाती है और अपनी नानी की बातें सुनती है। उसकी नानी को पहले ही पता था कि कुछ खतरा आने वाला है और मीराबेल इसकी जड़ तक जाना चाहती थी। फिर वह इसके बारे में अपनी बड़ी बहन लुईसा से पूछती है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर है। वह कहती है कि जब तुमने वह क्रैक्स महसूस करे तो मुझे भी लगा कि मेरी पावर्स कम हो गई हैं। वह कहती है कि उसके मामा ब्रूनो ने कसीता से जाने से पहले एक विजन देखा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर तुम इस राज के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें ब्रूनो के रूम में जाना होगा। ब्रूनो के रूम में जाना सभी के लिए मना था, मगर मीराबेल चुपके से उसके अंदर चली जाती है जहां उसे कुछ कांच के टुकड़े मिलते हैं। वह उन कांच के टुकड़ों को जोड़ती है और वह देखती है कि उन कांच के टुकड़ों में उसी का विजन है। फिर उस रूम में क्रैक्स आने लगते हैं। फिर वह उन कांच के टुकड़ों को बैग में लेकर जल्दी से बाहर आ जाती है। फिर वहां पर लुईसा बहुत परेशानी में आती है क्योंकि इसकी पावर बहुत तेजी से कम हो रही थी। फिर इसके बाद मीराबेल सभी से ब्रूनो के बारे में पूछती है, मगर उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। फिर उसके डैड को भी पता चलता है कि वह ब्रूनो के रूम में गई थी, मगर डॉलरस जो मीराबेल की कजन सिस्टर है वह इस बात को सुन लेती है कि वह ब्रूनो के रूम में गई थी। और आज के दिन उसकी बहन इजाबेला की एंगेजमेंट होने वाली थी मैरियानो नाम के लड़के से, लेकिन डॉलरस धीरे धीरे मीराबेल के बारे में सबको बता देती है कि वह ब्रूनो के रूम में गई थी। इसी बीच चूहे आकर कांच के टुकड़ों को जोड़ देते हैं और फिर कसीता में दरार आने लगती है। मीराबेल उन चूहों से उस टुकड़े को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वह सब कुछ बेकार कर देते हैं और उसकी बहन की एंगेजमेंट टूट जाती है। लड़के वाले गुस्सा होकर चले जाते हैं, इस वजह से सब मीराबेल को ही ब्लेम करते हैं। वह उन चूहों का पीछा करके एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां उसे उसका मामा ब्रूनो मिलता है जो कि कसीता छोड़कर कभी नहीं गया था क्योंकि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी और वह जिस किसी का भी फ्यूचर देखकर उसे बताता तो वह ब्रूनो से हेट करने लगता। मीराबेल उससे उन कांच के टुकड़ों के बारे में पूछती है और वह बताता है कि जब तुम छोटी बच्ची थी तुम्हें कोई पावर नहीं मिला, तब मैंने यह विजन देखा था कि वह कैंडल खतरे में है, मगर समझ नहीं आया कि तुम वहाँ पर क्यों थी। मीराबेल उससे कहती है कि आप अपने पावर से वह विजन मुझे भी दिखाइए ताकि हम कुछ पता लगा सकें। वह ऐसा ही कहते हैं और वह देखते हैं कि पूरा गांव बर्बाद हो रहा है जिसमें मीराबेल की बहन भी थी जो कि उसे हक कर रही थी। ब्रूनो कहता है कि अगर तुम इजाबेला को हक करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह इजाबेला के पास जाती है। वह उसे बताती है कि जिस बंदे ने मेरी एंगेजमेंट हो रही थी वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं तो बस फैमिली के लिए ये सब कर रही थी, मगर तुम्हारी वजह से एंगेजमेंट टूट गई। मीराबेल यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह दोनों डांस करने लगते हैं और एंड में हक भी करते हैं जिससे वह सभी क्रैक्स ठीक हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर उसकी नानी आ जाती है और मीराबेल को डांटती है कि तुम्हारी वजह से ही इजाबेला की एंगेजमेंट टूट गई।
और क्रैक्स आने की वजह भी तुम हो। लुइसा की पावर जाना, ब्रूनो का कसीता छोड़कर जाना, इन सब की वजह तुम हो। यह सब सुनकर मिराबेल को गुस्सा आ जाता है और वो भी उन पर गुस्सा करती है, जिसकी वजह से घर में क्रैक्स आने लगते हैं और पूरा घर टूट जाता है। मिराबेल उस कैंडल को बचा लेती है, मगर वह कैंडल भी बुझ जाती है और सभी की पावर चली जाती है। मिराबेल इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है और जंगल में जाकर एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी नानी आती है और कहती है कि यही वह जगह है जहाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसकी नानी उससे माफी मांगती है। मिराबेल कहती है कि हम वापस सब कुछ ठीक कर देंगे और गांव वाले आकर उनकी हेल्प करते हैं और उनके घर को दोबारा रीबिल्ड कर देते हैं। और जैसे ही मिराबेल डोर लॉक लगाती है, वह घर वापस मैजिकल हाउस का सिता में बदल जाता है और सबकी पावर वापस आ जाती है और ब्रूनो भी सभी के साथ रहने लगता है और मिराबेल को कोई भी सुपर पावर नहीं मिलती, मगर सब दोबारा खुशी से रहने लगते हैं। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।